हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल का नाम है वर्षा ब्यूटी केयर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी। अगर आप इस रेमेडी को डेली में ट्राई करते हैं तो आप कुछ ही दिनों में अपने डार्क सर्कल से छुटकारा पा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, हो सकता है आप कुछ इंपॉर्टेंट मिस कर दे। तो चलिए देखते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल बटन है इसे प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगर आपके पास नाइट में टाइम है तो आप नाइट में भी इस रेमेडी को ट्राई डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपके पास 10 से 15 मिनट का भी टाइम है तो आप जरूर निकालिए और इस रेमेडी को जरूर ट्राई कीजिएगा। इस बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है, इससे आपके डार्क सर्कल्स कुछ ही दिनों में रिमूव हो जाएंगे अगर आप इसे डेली यूज करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं। और इस रेमेडी को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ दो ही चीज़ों की ज़रूरत होगी। यहाँ पर मैं आपको चाहिए सबसे पहले बादाम रोगन तेल, और मैं यहाँ पर हमदर्द का बादाम रोगन तेल ले रही हूँ। आप चाहें तो किसी ब्रांड का ले सकते हैं, और मैं यहाँ पर डाबर का नहीं ले रही हूँ, और आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं किसी ब्रांड का। तो इन दोनों चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और यहाँ पर मैं सबसे पहले थोड़ा सा बादाम रोगन तेल ले रही हूँ, सिर्फ इतना, और थोड़ा सा हम इसमें हनी ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए मैं इसे अपनी आईज़ पर अप्लाई कर लेती हूँ। जहाँ भी आपके आईज़ के आसपास डार्क सर्कल्स होंगे वहाँ या आपने इस फेस पैक को अच्छे से लगा लेना है, या आईज़ पैक भी आप इसे बोल सकते हैं। और जब भी आप इसे ट्राई करें या जब भी आप इसे लगाएं, तब आप अपनी आईज़ पर सारा जो मेकअप होगा उसे अच्छे से क्लीन कर लीजिए। आपकी आईज़ पर कुछ भी लगा नहीं होना चाहिए, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी मेकअप नहीं होना चाहिए। अच्छे से अपने फेस को वॉश कर लीजिए, आईज़ को वॉश कर लीजिए, और आपकी आईज़ अच्छे से क्लीन होनी चाहिए, तब आप इस फेस पैक को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। और बादाम के तेल में काफ़ी ठंडक होती है, इसलिए यह हमारी त्वचा की जलन और खुजलाहट को भी कम करता है। और ये एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, इसलिए ये हमारी आंखों के आसपास की जितनी भी ड्राई स्किन होती है उसे ये नमी प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारे फाइन लाइन्स, रिंकल्स को ये दूर करने में हेल्प करता है और त्वचा को नमी भी प्रदान करता है। तो देखा आपने कितने सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो ये देखिए, मुझे 20 मिनट हो चुके हैं और अब मैं अपने फेस को नॉर्मल वाटर से वॉश कर लेती हूँ। तो ये देखिए, मैंने अपने फेस को ठंडे पानी से धो लिया है और मुझे मेरी आंखों के आसपास काफ़ी सॉफ्टनेस महसूस हो रही है, काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे जितनी भी ड्राई स्किन थी आप इसे काफ़ी मॉइस्चराइज लग रही है, और हनी आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करने में हेल्प करता है, और बादाम तेल से आपके जितने भी फाइन लाइन्स और रिंकल्स होती हैं ये दूर हो जाती हैं। अगर आप इस रेमेडी को डेली में ट्राई करते हैं तो आपको इसके बेस्ट रिजल्ट्स जल्दी ही देखने को मिलेंगे, और आपके डार्क सर्कल्स जो है उतना ही जल्दी रिमूव हो पाएंगे। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितनी इजी थी ये रेमेडी और कितना इजी है, इसे डेली भी ट्राई कर सकते हैं आप इसको। अगर आप मॉर्निंग में चाहें तो मॉर्निंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने कितना इजी था इस रेमेडी को ट्राई करना। ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप कि आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आई हो, मेरा आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो। और अगर मेरी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। और गाइस, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं, और अपने प्यारे प्यारे सजेशंस और कमेंट्स भी मुझे ज़रूर देते रहिएगा। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।